तो क्यूब लेलो ने भेजा एक बहुत बड़ा बॉक्स एंड आज की वीडियो में मैं इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ एंड ये काइंड ऑफ सरप्राइज अनबॉक्सिंग होगी क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि इस बॉक्स में क्या होगा। अचानक मेरे को मेल आया और मैंने देखा कि कोई पार्सल आ रहा है, तो लेट्स सी कि इसमें क्या होने वाला है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे यार आजकल फेस कैम वीडियोज इतने क्यों आ रहे हैं, पता नहीं यार मुझे भी नहीं पता, काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे बनाने में फेस कैम वीडियोज को, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आजकल थोड़े फेस कैम वीडियोज की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दूँ। लास्ट ईयर काफ़ी लोगों ने कंप्लेन की थी कि यार आप फेस कैम वीडियोज नहीं करते, तो इस साल इतने फेस कैम दूंगा कि आप लोग बोलोगे कि यार अब थोड़ा बंद कर दो, बंद करो हाथ जोड़ के मैं। ओके, तो आज की वीडियो में इस बड़े से बॉक्स को अनबॉक्स करने वाला हूं एंड तब तक अभी अनबॉक्स करूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, तो नो चीटिंग। कमेंट करो अभी कि क्या हो सकता है इसमें, कौन से क्यूब्स हो सकते हैं, कितने क्यूब्स हो सकते हैं, तो देखते हैं कि कितने लोगों का गेस करेक्ट निकलता है। बट चीटिंग नहीं करनी है, दूसरों के कॉमेंट नहीं देखने हैं। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड देखते हैं कि इसमें क्या है। तो चलो भाई इस बड़े से बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मुझे ये भी नहीं पता ना कि इसमें क्या क्यूब्स हैं, तो ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। और इतना बड़ा डब्बा है तो शायद 10-15 क्यूब्स तो होने चाहिए, बट कहीं पोपट ना हो जाए और कोई और क्यूब ना निकल जाए जितना मेरे को लग रहा है। तो इसके बॉक्स को अनबॉक्स करने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में दे रख इसमें तो डब्बे के अंदर एक और डब्बा हमें मिला है और देखते हैं कि इस डब्बे में क्या होने वाला है। और इसके अंदर मेरे को लग रहा है काफ़ी जोर लगाना पड़ा था मुझे, और मैं जो सोच रहा था वो ये नहीं है। और इसके अंदर एक और क्यूब है, मतलब इसमें टोटल 2 क्यूब्स है। इसके अंदर पता है कौन सा क्यूब है, जो अभी अभी लॉन्च हुआ था, ची का वॉरियर प्लस, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्यूब है और मेरे कलेक्शन का अभी तक का सबसे बड़ा क्यूब ये होने वाला है। इसके बॉक्स को अगर अनबॉक्स करता हूँ, अब मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया हूँ, लेकिन अगर इस वीडियो पर 5000 लाइक मुझे मिलते हैं तो मैं वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा क्यूब है, जो है ची का वॉरियर प्लस मैक्स, जो कि 38 सेंटीमीटर का क्यूब है और वो आपको अभी वीडियो में दिख भी रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उसको मैं खरीदने वाला हूँ और उसको मैं अनबॉक्स करूँगा। लेकिन इस वीडियो पर 5000 लाइक्स होने चाहिए और डेफिनेटली आप लोग करवा दोगे अगर आपको अनबॉक्सिंग चाहिए तो। तो यार इस क्यूब की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर एक और चीज़ है, वो क्या है वो देख लेता हूँ एक बार मैं। तो ये हमारी कुछ सीक्रेट ट्यूटोरियल फॉर क्यूब्स है और ये काफ़ी मोटी गाइड है एक्चुअल में। तो इसमें एक्चुअल में सारे क्यूब्स के ट्यूटोरियल है, इंक्लूडिंग गियर क्यूब, स्क्वायर वन, सारे WCA पजल्स, तो काफ़ी अच्छी गाइड है ये, काफ़ी यूज़ आने वाली है मुझे एल्गोरिदम्स के लिए। और इसको अनबॉक्स करता हूँ, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। लेकिन जो मेरा पहले वाला 18 सेंटीमीटर वाला जो क्यूब था उसको भी मैं अभी दिखाऊंगा, हीशू वाला, उसके कंपैरिजन में ये क्यूब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मुझे काफ़ी पसंद आया। काफ़ी बड़ा क्यूब है, कलर काफ़ी ब्राइट है। टर्निंग की बात करूँ तो टर्निंग उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्मूद है इसकी। और एक नॉर्मल जो हमारा स्पीड क्यूब होता है ना, जो हमारी ची के वॉरियर क्यूब, हम आपने देखा होगा बेस्ट बजट क्यूब, उसी को बड़ा करके इन्होंने बनाया, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे तो इस क्यूब को खेलने में। और मेरे कलेक्शन में एक अच्छा क्यूब भी बढ़ चुका है, तो ये एक और अच्छी बात हो गई है। अभी मैं आपको हीशू वाला जो क्यूब है ना वो भी दिखाऊंगा, वो इससे थोड़ा सा छोटा है, मतलब इसका साइज़ जो है वो 18.8 सेंटीमीटर है और वो वाला जो क्यूब है उसका साइज़ जो है वो अराउंड 18 सेंटीमीटर है। मैं एक्साइटेड हूँ कि इसके सेंटर पीस में क्या होने वाला है, बट उससे पहले आपको वो वाला क्यूब दिखा देता हूँ जो मेरा 18 सेंटीमीटर का क्यूब है, जो हीशू वाला क्यूब है। वो देखो इसके थोड़ा सा छोटा है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट हाँ सरफेस की बात करूँ तो जो एकदम फ्लैगशिप क्यूब या फिर एकदम रियल रूबिक्स क्यूब वाली फील वो है, यही क्यूब दे रहा है, क्योंकि इसके पीसेज जो है वो एकदम छोटे क्यूब को ही बड़ा वर्जन देकर इन्होंने बनाया है। सेंटर कैप निकालूँ तो सिंपल स्क्रू मिल रहा है। मेरे को बड़े क्यूब्स का ये सबसे अलग बात लगती है कि ये क्यूब इतने बड़े होते हैं और इनके अंदर एक छोटू सा स्क्रू निकलता है। हमारे इस बॉक्स में एक और क्यूब आया था, वो भी एक बार देख लेते हैं कि वो कौन सा क्यूब है। और ये क्यूब काफ़ी अमेजिंग है, आप लोग बाय भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वो वाला क्यूब कौन सा है वो भी मैं एक बार देख लेता हूं, मुझे तो इसको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, बट वो क्यूब भी देखना पड़ेगा एक बार। सो ये वाला जो क्यूब है ये है मोयू का RS3M V5 और इसको मैं डिटेल रिव्यू करने वाला हूं इसी वीडियो में। तो अभी अपने पुराने सेटअप पर चलते हैं और इसके वीडियो की इसके रिव्यू की बात करते हैं। तब तक बड़ा क्यूब जो था ना वो बहुत ज्यादा अमेजिंग था। क्यूब RS3M V5 की बात करते हैं एंड इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था जो अभी रीसेंट वाला था, जिस पर आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि आपको 2024 में कौन सा क्यूब बाय करना चाहिए। तो अगर आपका बजट 1000 रुपए तक का था तो मैं सिर्फ इसी को रिकमेंड कर रहा था और ये क्यूब काफी ज्यादा मजेदार है। और मेरे पास इसका एक्चुअल में मैगलिव वर्जन भी है, ये वाला स्टैंडर्ड वर्जन है नॉन एडजस्टेबल वाला, बट ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो इसको अनबॉक्स करता हूं एंड देखते हैं कि ये कैसा है।
सो इसमें हमें मिलता है क्यूब एंड साथ में एक एसेसरी बॉक्स, और एसेसरी बॉक्स में मुझे जितना लगता है ना कि इसमें आपको स्क्रू ड्राइवर मिलेगा और इतना ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ स्क्रू ड्राइवर और इसकी टेम्पलेट गाइड सी मेरे ख्याल से लग रही है कि मिलेंगी बस, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें, हाँ वही है बस, एक स्क्रू ड्राइवर है और इसकी टेम्पलेट गाइड है, तो वो मेरे को देखनी नहीं है इतनी ज़्यादा। बट क्यूब की बात करूँ अगर मैं, तो क्यूब की जो फिनिशिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये काफ़ी स्लिपरी सरफेस इसका लगेगा, तो मे बी आपको ग्रिपिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। बट हाँ, क्यूब की अगर मैं बात करूँ तो इसके फर्स्ट टर्न्स अगर मैं बताऊँ तो भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फर्स्ट टर्न्स हैं, और ये एकदम जैसा आपने RS 3M 2020 अगर देखा है जो कि सबसे बेस्ट क्यूब था और 2020 का और इवन 21 तक वो बिक रहा था, बट उसके कंपैरिजन में RS 3M V5 का जो स्टैंडर्ड वर्जन है ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, और स्टेबिलिटी जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, मैगलेव वर्जन की बात करूँ तो इसमें कुछ ऐसा खास फीचर्स हमें देखने को नहीं मिलते, स्टेबिलिटी के मामले में थोड़ा सा ये ज़्यादा अच्छा है अगर मैं बात करूँ इसके कंपैरिजन में स्टैंडर्ड वर्जन के, नॉन एडजस्टेबल जो है। बाकी टर्निंग की बात करूं तो दोनों की बिल्कुल सेम टर्निंग है, और मेरे को इसकी टर्निंग थोड़ी सी इससे बेटर लगी, क्योंकि मुझे, अब ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि मुझे मैगलेव क्यूब इतने पसंद नहीं है, तो स्टैंडर्ड क्यूब है ये। बट अगर आपका बजट 1000 रुपये तक का है तो आप ये वाला क्यूब डेफिनेटली खरीद सकते हो। कॉर्नर कटिंग देखते हैं कि इसकी आउट ऑफ द बॉक्स कॉर्नर कटिंग कैसी होती है, तो 30 डिग्री आराम से कर रहा है, 45 डिग्री ये नहीं कर पा रहा है, अभी नहीं कर पा रहा है, बट मुझे लग रहा है कि इसको मैं प्रॉपरली जब सेटअप करूंगा तब ये मे बी कर पाएगा। और नॉन एडजस्टेबल है, बस इसमें एक यही प्रॉब्लम आई मुझे, जो लगी मुझे वो ये है कि अगर आप 2020 खरीदते हो तो उसमें आपको टेंशनिंग एडजस्टेबल सिस्टम देखने को मिलता है, बट ये क्योंकि नॉन एडजस्टेबल है तो ये एक नॉर्मल क्यूब की तरह ही वर्क करेगा, जैसे हम जो सस्ते क्यूब्स होते हैं उनकी तरह ही वर्क करेगा, सिर्फ स्क्रू लूज टाइट करके आप इसकी कॉर्नर कटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, और अगर आप अपना थोड़ा बजट इंक्रीज कर सकते हो, इसीलिए मैं इस मैगलेव को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें आपको सारी टेंशनिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। इवन मैगलेव क्यूब भी है ये, मुझे पसंद नहीं है बट 90% क्यूबर्स को मैगलेव क्यूब पसंद होते हैं, और अब तो जितने भी क्यूब लॉन्च हो रहे हैं वो सभी मैगलेव हैं, तो क्यूब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट स्टैंडर्ड वर्जन क्योंकि नॉन एडजस्टेबल, इसके दो वर्जन है एक्चुअल में, आप एडजस्टेबल वाला भी खरीद सकते हो जो कि बिल्कुल इसी की तरह होगा, बस उसमें टेंशनिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा जो आप चाहते हो, तो आप नॉन एडजस्टेबल भी खरीद सकते हो, एडजस्टेबल भी खरीद सकते हो, वो थोड़ा सा महंगा होगा बट मैगलेव से फिर भी सस्ता होगा, तो इसको मत खरीदना क्योंकि इसमें अभी एडजस्टेबल कोई सिस्टम नहीं है। इससे सस्ता फिर आपको नॉन एडजस्टेबल ही खरीदना है, तो कोई और क्यूब खरीदो, इससे सस्ता मिलेगा और इवन स्पीड को बीट नहीं कर पाएगा। बट हाँ यार, मुझे ये पसंद नहीं आया कि इसमें नॉन एडजस्टेबल है, मेरे ख्याल से हर बजट का मोयू ने उस टाइम पे क्यूब लॉन्च किया था, तो इसलिए नॉन एडजस्टेबल भी कर दिया। तो इसके कंपैरिजन में आप एडजस्टेबल वाला खरीदना या मैगलेव खरीदना, जैसे आपकी नीड हो या आपका बजट हो। क्यूब काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, अगर मैं इसका एज पीस एक बार आपको निकाल के दिखाता हूँ तो ये पीस ही निकल गया, मैंने ज़्यादा जोर लगा दिया, तो आपको यहाँ पर मैग्नेट देखने को मिलेंगी और काफ़ी छोटी छोटी मैग्नेट है, बट जिसकी स्ट्रेंथ है ना मैग्नेट की वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो आप इस क्यूब को डेफिनेटली बाय कर सकते हो। मैं एक बार लूज करके इसका एज पीस निकाल देता हूँ, टूटा नहीं है वैसे, तो इसका एज पीस मैंने लगा दिया है, ज़्यादा जोर लगाने की वजह से ही बाहर ही निकल गया था पूरा, बट टूटा वूटा नहीं है, तो क्यूब की, इससे ये भी पता चलता है कि क्यूब की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इसके कॉर्नर पीस को मैं लगा देता हूँ एक बार, एंड इसके एज पीस को भी लगा देता हूँ, और यार क्यूब आप डेफिनेटली ये वाला खरीद सकते हो, बट मैंने जैसा बोला कि एडजस्टेबल के कंपैरिजन में नॉन एडजस्टेबल खरीदना काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, और आपका अगर स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है और आप एक अच्छा क्यूब सोच रहे हैं 1000 रुपये के बजट का, तो RS 3M 2020 के कंपैरिजन में ये वाला क्यूब अच्छा है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बड़ा क्यूब काफ़ी पसंद आया होगा एंड ये वाला क्यूब भी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी क्यूबिंग, एंड लेट्स सी कि आप कौन से क्यूब इन दोनों में से खरीदते हो।